दोस्तों कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर फास्ट चल ब्लॉग चैनल में। और आप देख रहे हैं एक खूबसूरत नज़ारे का व्यू। ये कहीं और नहीं है दोस्तों, ये मेरे घर के पास में है। देखो आप, हरे भरा, एकदम हरा भरा हो रहा है। देखो अब दो तीन दिन लगातार बारिश हुई ना, इसके वजह से ये जो मैदान है ना पूरा हरा भरा हो गया। पेड़ एकदम हरे हो चुके हैं देखो। और इसी जगह का वीडियो बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे चैनल में, तो आप उसको देखना और इस वीडियो को देखना कितना बदलाव आ गया है। वो गर्मी के टाइम का वीडियो था और आज का जो वीडियो है ये बारिश का वीडियो है। तो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं हरे हो चुके हैं और छोटी छोटी घास भी उगने लगी है दोस्तों। ये देखो, ये पहाड़ी है वही जिस पे मैं बैठकर वीडियो बनाता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ आसपास का व्यू। पहाड़ देख सकते हो और ये देखो मेरे सामने घर है। तो जो बिल्कुल सूखे पेड़ थे, पत्ते भी नहीं था, देखो पत्ते भी आ गए नए। और ये जो छोटे छोटे सब पेड़ देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सूखे रहते हैं गर्मी के टाइम पर। अभी देखो कितना हरा भरा लग रहा है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है। बारिश हुई थी रात को, कल बारिश नहीं थी, आज रात को हुई थी बारिश। तो बारिश होने की वजह से मौसम में बदलाव आया है, ठंडा एकदम ठंडा लग रहा है। बाकी तो कल गर्मी बहुत लग रही थी दिन में। और आज का दिन कौन सा है, मैं आता है पच्चीस तारीख है आज और जून का महीना चल रहा है। 25 तारीख जून का महीना। ये देखो छोटे छोटे पेड़ों में पौधे भी कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो ये बल्कि ये सूखे सूखे रहते हैं हमेशा और पानी मिलते ही देखो कितने हरे भरे हो गए हैं। ये देखो ये नए पौधे उगते हैं, ये वाले पौधे हैं ना। और एक कौन से पौधे हैं मैं दिखाऊंगा, जो प्याज होता है ना हमारा, प्याज कांदा होता है उसी तरह इसके अंदर इतने बड़े बड़े प्याज है जो कि बिल्कुल कड़वे होते हैं, ये खाने के लायक नहीं होते हैं, किसी जड़ी बूटियों में काम आते हैं। इसके अंदर है प्याज, इतने बड़े बड़े प्याज है। कभी निकालूंगा तो मैं दिखाऊंगा इसके अंदर है, अभी मेरे पास कुछ खोदने के लिए नहीं है तो वरना मैं अभी दिखा देता आपको, बाद में दिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्तों इधर ये जो मेरे जो ये कड़वे प्याज होते हैं ना इधर, ये हमेशा रहते हैं देखो ये। और मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिख रहा है देखो ये इसके नीचे, ये देखो ये प्याज के छिलके दिख रहे हैं ना आपको, ये छिलके हैं प्याज के बहुत सारे। और इतना बड़ा अंदर इसके अंदर प्याज है, तो ये जगह जगह देखो ये रहे, ये देखो ये रहा, ये देखो ये उग रहे। तो यहाँ पर ये बहुत सारे यहाँ उगते हैं। कभी यहाँ से मैं निकालूँगा ना आप लोगों को तो दिखाऊँगा। ये रहा मेरा घर सामने, देखो दोस्तों कितना हरा भरा हो गया ना, मस्त लग रहा है एकदम। बारिश के टाइम पर नज़ारा बहुत ही शानदार दिखता है। हम कहीं पर भी घूमने जाएं तो बारिश होती है, झरना बहता है और ये जो हरियाली है ना देखने को मिलती है ना, तो जो धरती की खूबसूरती बढ़ा देता है। बारिश का जब मौसम आता है ना तो धरती की खूबसूरती बढ़ा देता है। इतनी खूबसूरत दिखती है धरती कि मानो कहीं हम स्वर्ग में तो ना चले गए ऐसा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कोई नए वीडियो के साथ आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा अच्छा अच्छा व्यू। और कहीं घूमने जाने वाला हूँ दो तीन दिन के अंदर, वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। चलो दोस्तों, बाय बाय।